तो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ईंटों को कैसे बनाया जाता है, या मैं ये बोलूं ईंटों को कैसे पाथा जाता है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये सारी ईंटें हैं, ये सारी अभी कच्ची ईंटें हैं, मतलब इनको अभी पकाना बाकी है। ये मिट्टी से बनाई गई हैं ईंटें, अगर इस पे पानी डालोगे फिर से ये मिट्टी में ही मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। और मैं इसको इसलिए शूट कर रहा हूँ, इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ, और ये इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि लाइक यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा अलग है, कितनी ज़्यादा अलग है। मतलब यहाँ पर सुबह उठना है, चाय पीनी, उसके बाद में ईंटें बनाना स्टार्ट कर देना। और यहाँ एक ओपन एरिया जहाँ पर फुल धूप आने वाली है, 9-10 बजे के बाद में फुल धूप आने वाली है। हम तो शाम को आए थे, इवन इनके घर देखो लाइक मिट्टी के घर हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा भारत अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है अपने भारत को विकसित करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो मतलब ऐसे लोग जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन ही नहीं है, जो इतनी मेहनत करते हैं, ये ईंटें बनाते हैं। मैं जस्ट सोच रहा था कि लाइक हमारे घरों में बहुत सारी बेसिक नेसेसरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इनके तो घर ही मिट्टी के हैं। बहुत ज़्यादा अजीब लगा था। वैसे ये पाथते कैसे हैं, मतलब इट्स सिंपल कि ईंटें मिट्टी होती है, मिट्टी में पानी डाला, मिट्टी को गूंदा जाता है, जिस तरह से हम रोटी के आटे को गूंदते हैं उसी तरह इसको गूंदा जाता है। फिर एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस मिट्टी को डालते हैं, जैसे ये अभी कर रहे हैं आप देख रहे हो, ये गीली मिट्टी उसमें डाला जाता है, उसको उसमें ईंट का शेप बन जाता है, उसको ज़मीन में पटका जाता है, और उस वहीं पर उस लकड़ी के ढांचे को उठा लेते हैं, ईंट वहीं पर रह जाती है। और जब ये सूख जाती है तो इसको उठा कर ऐसी लाइन में लगा देते हैं, और सुखाने के बाद में इसको पकाने के लिए भट्टे में भेज दिया जाता है। लाइक यहीं पर पास में ही भट्टा है जो मेरे राइट हैंड साइड में, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊँगा। लाइक बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था मुझे, क्योंकि ऐसा था कि मतलब जो यहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए तो ये नया है, बट जब मैं यहाँ पर गया था और जब यहाँ से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसको शूट करना चाहिए और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं इसको शूट कर रहा था और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग है यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लाइक नो स्कूल, यहाँ के लोग वैसे भी स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके पास कमाने के लिए, खाने के लिए पैसा ज़रूरी है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उस हिसाब से है। और हम यहाँ पर लाइक इवनिंग में आए थे, इवनिंग में इन द सेंस हम अपने खेतों में जा रहे हैं, हमारे जो दूर वाले खेत हैं ना, तो वहाँ हम जा रहे हैं, और ये वो रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं। ये सारे मेरे घर के परिवार के मेंबर हैं, सारे फैमिलियर हैं, तो इनके साथ मैं जा रहा था और ये मुझे बता रहे थे कि कहाँ पर हैं, तो उस अकॉर्डिंग। और यहाँ राइट हैंड साइड में वो भट्टा है जहाँ पर ये सारी जितनी भी ईंटें हैं मिट्टी की, इनको उठाकर वहाँ पे लेके जाया जाएगा, वहीं पर ये ईंटें पक जाएंगी, लाल ईंट हो जाएगी, फिर वहीं से ये सेल आउट हो जाती हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा अलग लगी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अलग लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, उसमें से ये एक ऐसी चीज़ है। लाइक आप देख सकते हो कि इस मिट्टी के घर हैं और मिट्टी में ही मतलब रहते हैं, मिट्टी में ही बनाते हैं, मिट्टी में ही खाते हैं और मिट्टी में ही सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अलग है यार। और साथ में आप ये भी देखिए लाइक किस तरह से ये ईंटों को बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलग लगा था। मैंने सोचा क्यों ना यार ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग है, पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। और अब जब देख रहा हूं तो सोचा क्यों ना इसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि हर बार थोड़ी ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। इस वीडियो को इस तरह से मत देखिएगा कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, आप इस वीडियो को इस तरह से देखिएगा कि ईंटें को बनाने वाले कौन हैं और वो कैसे इस वर्क को बहुत ही फिनिश, बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, आप उनको देखिएगा। ईंटें तो फिर ईंटों के लिए तो मशीनें आ जाती हैं, लेकिन वो लोग जो इसमें मेहनत कर रहे हैं आप उनके बारे में ज़्यादा देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बनाने वाला कौन है, वो कैसे बना रहा है, उसकी कितनी मेहनत जा रही है, वो क्या करता है इसके अलावा, अगर और बरसात के मौसम में जब ईंटें नहीं बनाई जाती, क्योंकि आपको पता है बरसात के मौसम में पानी एनी टाइम गिरता रहता है, तो ईंटों को सुखाने का कोई सुखा ही नहीं पाएंगे, तो तब वो क्या करेंगे, तो वो ज़्यादा उस नज़र से आप देखोगे, अगर उन लोगों के बारे में सोचोगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने खेतों की ओर, जो हमने कहा था लाइक खेतों की ओर बढ़ते हैं, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगा, वो भी आप देखिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को भी दबाना, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उस अकॉर्डिंग। अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और हम अपने खेतों की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने खेतों का राउंड दिखाएंगे। दूसरे वाले खेत अभी तक जो मैं दिखा रहा था वो मेरे दूसरे खेत थे, ये दूसरे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मिल सकें अगली बार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।